मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गोवंडी में एक 26 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर की चाकू मार कर कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। आपको बता दें, इस ड्राइवर का नाम सलीम बेग है और इन हत्यारों की तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि होटल के अंदर ये हत्यारे खड़े हैं और तभी बाहर एक ऑटो रिक्शा आकर रुकता है। इस ऑटो रिक्शा से पैसेंजर नीचे उतरते रहते हैं, तभी ही इन हत्यारों ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से कई वार किया गया इस ड्राइवर पर, जिससे ड्राइवर सलीम बेग की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक रिक्शा चलाने वाले सलीम बेग का विवाद ऑटो रिक्शा आगे पीछे लगाने को लेकर बैगनबाड़ी ऑटो रिक्शा स्टैंड पर एक शख्स से हुआ था और उसी दौरान इसे धमकी दी गई थी कि तुझे जान से मार दिया जाएगा। और उसके अगले ही दिन सलीम बेग की आखिरकार सुबह चाकू मारकर हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी है। हालांकि सनसनीखेज हत्या से हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।